यहाँ तक 7 इंच पर लगाएंगे हम कमर का निशान इस प्रकार। जो हमारी छत के 11 इंच पर निशान था तो इससे 1 इंच हम कम करेंगे, 10 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल से हिप के लिए निशान लगाएंगे 14 इंच पर। जो हमारी हिप है वो है 20 इंच, 20 काफ होगा 10 इंच और 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे यहाँ पर भी, ताकि हम अच्छे से उसको फोल्ड कर सकें। फिर कमर के निशान और हिप के निशान को इस प्रकार दोनों को मिला देंगे। उसके बाद जितना हमने ऊपर रखा है 11.5 इंच उतना ही हम यहाँ घेरे पर रखेंगे 11.5 इंच। फिर इस निशान और इस निशान को हम इस प्रकार मिला देंगे। ये हमारे सूट आर्म होल में जो हम निशान लगाएंगे गोलाई का कटिंग करने के लिए, यहाँ से 1/2 इंच ऐसे लगाएंगे निशान। उसके बाद यहाँ से गोलाई का निशान लगाएंगे। कमीज की कटिंग करना बहुत ही आसान है, इसके लिए सिर्फ हमें 3 ही निशानों का अच्छे से लगाने आने चाहिए। फर्स्ट ऑफ छाती, उसके बाद कमर और फिर हिप। और ये ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनके इनसे ही हमारे सूट की अच्छे से कटिंग हो सकती है। ऐसा है, हमने ये कपड़ा फोल्ड किया था तो जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था उसके ऊपर हमने ये अपना फ्रंट हिस्सा रख लिया है। सेम ऐसे इसको प्रेस कर देंगे और इसको कटिंग कर देंगे। अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों हिस्से कटकर तैयार हो चुके हैं और इसकी कमीज की फ्रंट कटिंग करती की जाती है आर्म होल के, जो यहाँ से 1/2 इंच लेंगे हम ऐसे और यहाँ से इस तरह इसको गोलाई कर देंगे। दो पार्ट उठाएंगे हम फ्रंट सूट के और इस तरह इसकी कटिंग कर देंगे हम। जब बैक है, बैक को हम यहाँ से एक साथ इक्वल करेंगे बस और तिरछा इसको कटिंग करेंगे इस प्रकार। तो अब हमारा सूट कटकर तैयार हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।